Hello and welcome back to Skills Explorer. My name is Rahul and I'm coming back with a new video that is B-Tree. So let's guys start what is B-Tree. So B-Tree kya hai? B-Tree is a special type of self-balancing search tree in which each node can contain more than one key and can have more than two children. And it is a generalized form of binary, right? This is the advantage of B-Tree जो कि हम binary tree में नहीं कर पाते थे तो binary tree की बहुत सारी कैटेगरी थी. हमने एवियर ट्री स्टडी किया, स्प्लिट ट्री स्टडी किया, रेड ब्लैक स्टडी किया. उसमें हर एक नोड मैक्सिमम टू नोड ही होल्ड कर सकता है. बट बी ट्री का क्या एडवांटेज है? बी ट्री इन वन नोड कैन होल्ड मोर देन टू नोड्स. दैट्स वाई इसमें हाइट क्या होती है? कम होती है. अगर हाइट कम होती है तो हमारा सर्चिंग ऑपरेशन भी काफ़ी फास्ट होता है. आप सर्चिंग लगा लो, डिलीशन इंसर्शन लगा लीजिए, तो हमारी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है? बी ट्री में फास्ट हो जाती है. सो इन दिस वीडियो हम स्टडी करेंगे वेरियस प्रॉपर्टी ऑफ बी ट्री एंड वाई वी यूज इट. द नीड ऑफ बी ट्री अक्रॉस विद द राइज इन द नीड ऑफ लेसर टाइम इन एक्सेसिंग द फिजिकल स्टोरेज मीडिया लाइक हार्ड डिस्क. देखिए जो हार्ड डिस्क है, जितना साइज हार्ड डिस्क का ज़्यादा होगा उसको एक्सेस करने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा. तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? स्लोअर होती हैं विद लार्जर कैपेसिटी. तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम फेस हो रही थी कि इसकी परफॉर्मेंस को हम कैसे फास्ट किया जाए. So there was a need for such type of data structure that minimized the disk accesses. के जिसे physical storage में हम उसको easily access कर सकें, performance fast हो, तो हमें कुछ इस type का data structure की requirement थी. So but other data structures such as binary search tree, AVR tree, red black tree, etc. can store only one key in one node. वहाँ उसके साथ हम कर सकते थे, but वहाँ पर problem क्या थी कि किसी भी node में हम only one key store कर सकते थे और one key आगे two children ही hold कर सकती है, right? जिसकी reason से आपकी tree की height क्या हो रही थी? Increase हो रही थी. So if you have to store a large number of keys, then the height of such tree becomes very large and access time increases. अगर access time increase हो जाता था तो आपकी performance भी down हो जाती थी. So however, B tree can store many keys in a single node and can have multiple child node. This decreases the height significantly, allowing faster disk access. सो गाइस इन दिस एग्जांपल आप कंपेयर कर ही सकते हो. आपके लेफ्ट साइड पे बी ट्री है और राइट साइड पे बाइनरी ट्री है. बाइनरी ट्री एक नोड ओनली टू चाइल्ड ही होल्ड कर सकता है. फॉर एग्जांपल ए के टू चाइल्ड है बी एंड सी. बट अगर मैं बी ट्री में देखूं रूट नोड के कितने चाइल्ड हैं? 1 2 3 4. और हर नोड में एटलीस्ट टू चाइल्ड है, राइट? तो अप्रोक्सीमेट बी ट्री कितने होल्ड नोड को होल्ड कर पा रहा है? टोटल नोड हैं बी ट्री में 3 5 7 9 11 नोड. और उसकी हाइट कितनी है? ओनली 1. बट अगर मैं बाइनरी ट्री के साथ कंपैरिजन करूँ, टोटल नोड बाइनरी ट्री में कितने हैं? 5. लेकिन उसकी हाइट कितनी है? 2. ओनली 5 नोड में ही हाइट 2 होगी. यहाँ पर टोटल 11 नोड है, फिर भी हाइट कितनी है? 1. तो एक्सेस टाइम क्या हो जाता है? फास्ट हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, राइट? सो द मेन आइडिया ऑफ यूजिंग बी ट्री इज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस. हम कैसे कर सकते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था. सो मोस्ट ऑफ द ट्री ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? जैसे सर्च करना, इंसर्ट, डिलीट, मैक्सिमम, मिनिमम, एटसेट्रा. रिक्वायर ऑर्डर ऑफ हाइट. एच का मीनिंग क्या है? हाइट. हाइट डिस्क एक्सेस वेयर एच इज द हाइट ऑफ द ट्री. जितनी हाइट कम होगी उतनी परफॉर्मेंस फास्ट होगी. सो बी ट्री इज ए फैट ट्री भी बोल सकते हो इसे. द हाइट ऑफ बी ट्री इज कैप्ट लो बाई पुटिंग द मैक्सिमम पॉसिबल की इन ए बी ट्री नोड. जितनी ज़्यादा कीज एक नोड में आप होल्ड कर पाओगे उतनी हाइट कम होगी और उतनी ही परफॉर्मेंस ज़्यादा फास्ट होगी. जनरली बी ट्री नोड साइज इज कैप्ट इक्वल टू द डिस्क ब्लॉक साइज. जितना डिस्क की ब्लॉक का साइज होता है उतना ही होता है. सिंस द हाइट ऑफ द बी ट्री इज लो, सो टोटल डिस्क एक्सेसिज फॉर मोस्ट ऑफ द ऑपरेशन आर रिड्यूस सिग्निफिकेंटली कंपेयर टू बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री लाइक एवियर ट्री, रेड ब्लैक ट्री, एटसेट्रा, राइट? तो कीज का साइज इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ कीज ज़्यादा होगी तो हाइट कम होगी, जिसकी वजह से आपके जो ऑपरेशंस है वो जल्दी परफॉर्म होने लगे और परफॉर्मेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी. तो गाइस हम कॉम्प्लेक्सिटी भी कंपेयर कर सकते हैं. सो वी हैव टू ट्री, बी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री. अगर हम इन्हें ऑपरेशन की कॉम्प्लेक्सिटी को कंपेयर करें, देखिए बी ट्री का एवरेज केस और बाइनरी सर्च ट्री का एवरेज केस बिल्कुल सेम है. कोई भी ऑपरेशन हो, स्पेस, सर्च, इंसर्ट, डिलीट, बिल्कुल सेम है ऑर्डर ऑफ लॉग एन. बट अगर आप कंपेयर कीजिए वर्स्ट केस
कंपेयर टू बी ट्री एंड बाइनरी सर्च ट्री। तो बी ट्री में वर्स्ट केस क्या है, ऑर्डर ऑफ लोग एन, लेकिन वर्स्ट केस बाइनरी सर्च में क्या है, ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन ज़्यादा होता है उसमें, फॉर एग्जाम्पल टोटल 16 है, 16 नोड्स हैं, तो वर्स्ट केस कितने लगे, 16 ऑर्डर ऑफ एन। बट लॉग एन में 16 टू रेज टू पावर 4 से आ जाता है, तो ओनली 4 ऑपरेशन से ही आपकी सर्च आपको एलिमेंट मिल जाता है, आपका एलिमेंट इंसर्ट भी हो जाता है, एलिमेंट डिलीट भी हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल टोटल नोड्स अगर 16 है दोनों केसेस में, राइट, लॉग एन 16 किसके इक्वल होता है, 4 होता है, लेकिन ऑर्डर ऑफ एन क्या होगा, 16 ही होगा। तो देखिए कितना ज़्यादा टाइम लगेगा और कितना टाइम रिड्यूस हो गया बी ट्री में। सो गाइस ये कॉम्प्लेक्सिटी है, ये देखिए ऑर्डर ऑफ लॉग एन क्या है, कम है ऑर्डर ऑफ एन से। तो देखिए परफॉर्मेंस फास्ट होगी बी ट्री में, जिसका हमें एडवांटेज मिला डिस्क एक्सेस में, फिजिकल मीडिया स्टोरेज में। परफॉर्मेंस बी ट्री डेटा स्ट्रक्चर के साथ हमारी परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हुई है। सो बी ट्री को अंडरस्टैंड करने से पहले वी हैव सम प्रॉपर्टीज। बी ट्री क्या है, बी का मीनिंग बैलेंस्ड बी हम बोला जाता है, कि बी ट्री इज ए स्पेशलाइज्ड एमवे ट्री। ये एमवे ट्री क्या है, अब एम का मीनिंग क्या है, एम का मीनिंग होता है ऑर्डर, एम की वैल्यू कोई भी हो सकती है, 2, 3, 4, 5, 6, एनी, राइट। सो डैट कैन बी वाइडली यूज फॉर डिस्क एक्सेस। ए बी ट्री ऑफ ऑर्डर एम कैन हैव एट मोस्ट एम माइनस वन माइनस की, राइट। इसमें हम की स्टोर करते हैं, अब कीज कैसे आइडेंटिफाई होती हैं, जितनी आपका ऑर्डर है, जितनी वैल्यू एम की है, उससे एक वन माइनस कर दीजिए, राइट। इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अ बी ट्री ऑफ ऑर्डर एम कैन हैव एट मोस्ट एम माइनस वन कीज एंड एम चिल्ड्रन। वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ यूजिंग बी ट्री इज कैपेबिलिटी टू स्टोर लार्ज नंबर ऑफ कीज इन ए सिंगल नोड, जो कि हम बाइनरी ट्री में नहीं कर पाते थे, राइट। तो जितनी ज़्यादा कीज होंगी उतनी हाइट कम होगी। सो अब बी ट्री ऑफ ऑर्डर एम कंटेन ऑल प्रॉपर्टी ऑफ एम वे ट्री। अगर आपने एम वे ट्री पढ़ा हो तो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टीज हैं। सो ईच नोड इन ए बी ट्री कंटेन एट मोस्ट एम चिल्ड्रन, मैक्सिमम कितने चाइल्ड होल्ड कर सकता है एक नोड, एम चिल्ड्रन, जितनी वैल्यू एम की होगी उतने मैक्सिमम चाइल्ड वो होल्ड कर सकता है। एवरी नोड इन ए बी ट्री एक्सेप्ट द रूट नोड एंड लीफ नोड कंटेन एटलीस्ट एम बाई टू चिल्ड्रन। अगर कोई नोड बी ट्री में इंटरनल नोड है एक्सेप्ट द रूट एंड लीफ नोड, तो कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं उसके, एम बाई टू चिल्ड्रन, राइट। लेकिन सीलिंग वैल्यू लेनी है, अगर मान लो एम की वैल्यू 3 है तो मैं 3/2 लिखूंगा, तो 1.5 नहीं लूंगा, मैं 2 लूंगा, क्योंकि 1.5 की 5 की अपर वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, राइट। हमने सीलिंग वैल्यू या अपर वैल्यू एक्सेप्ट करनी है। एंड जो रूट नोड है मस्ट हैव एटलीस्ट 2 नोड, 2 नोड तो होनी चाहिए अगर रूट नोड लीफ नहीं है, राइट। अगर उसके पास एक से ज़्यादा नोड्स हैं तो एटलीस्ट 2 नोड तो होने चाहिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो बी ट्री की है, ऑल लीफ नोड मस्ट बी एट दी सेम लेवल, जितने भी नोड हैं वो सेम लेवल पर है। इट इज़ नॉट नेसेसरी डैट ऑल दी नोड कंटेन दी सेम नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ऐसा नहीं है कि लेफ्ट नोड के पास 2, 3 चिल्ड्रन हो सकते हैं, राइट के पास 2 भी हो सकते हैं, बट ईच नोड मस्ट हैव एम बाई 2 नंबर ऑफ नोड, ये प्रॉपर्टी फॉलो होनी ही चाहिए। वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अ नॉन लीफ नोड विद के चिल्ड्रन हैज के माइनस वन कीज। अगर किसी नोड की 3 चाइल्ड हैं तो उसकी कीज कितनी होंगी पेरेंट में, 1-1, अगर 3 चाइल्ड हैं तो 3-1 2 कीज होंगी। ये किसी भी नोड की प्रॉपर्टी आप चेक कर सकते हो। तो गाइस ये हमने कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी डिस्कस कर रही है, कि ऑर्डर ऑफ लॉग एन है, कोई भी आपकी ऑपरेशन लग रहा है, सर्च इंसर्ट एंड डिलीट। तो नेक्स्ट हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे, इस एग्जांपल में हम बी ट्री को कैसे बिल्ड करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे सर्च करते हैं। सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन। तो ऐसी एग्जांपल हम मैं आगे आपको सॉल्व करने जा रहा हूँ, और अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गई यू कैन सॉल्व एनी एग्जांपल, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू एग्जांपल ऑन बी ट्री। सो गाइस वी हैव ए लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स, इन एलिमेंट की हेल्प से हम बी ट्री को बिल्ड करेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि आपने बी ट्री बिल्ड करना है और आपको एलिमेंट्स दिए हुए हैं तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे, तो कोई भी अगर बी ट्री आपने बिल्ड करना हो, उसको ड्रॉ करना हो, तो सबसे पहले आपको उसका ऑर्डर दिया गया होगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके बी ट्री का ऑर्डर है दैट इज 3। तो एम हम बी ट्री को क्या बोलते हैं, एम वे ट्री भी बोलते हैं। आप एम वे ट्री क्यों बोलते हो, बिकॉज इसकी वैल्यू एम के ऊपर डिपेंड करती है। आपकी एम की वैल्यू 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है। अगर 3 है तो हम क्या बोलेंगे, 3 वे बी ट्री।
अगर फोर है तो फोर वे बी ट्री राइट, तो एम प्लेस अ वेरी क्रूशियल रोल. वाई? बिकॉज एम क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन किसी नोड के कितने हो सकते हैं, वो एम हो सकते हैं. अगर एम की वैल्यू थ्री है तो किसी नोड के चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, थ्री हो सकते हैं. अब इस एम की वैल्यू से या इस ऑर्डर की वैल्यू से हम मैक्सिमम कीज फाइंड आउट करेंगे. कीज का मीनिंग है कि कितने कीज एक नोड में प्रेजेंट हो सकती है. तो कीज आप कैसे फाइंड आउट करते हो, की इजिकल टू एम माइनस वन दैट इज टू. तो अगर एम की वैल्यू थ्री है तो कीज आपकी कितनी आएगी, टू. कि एक नोड मैक्सिमम टू कीज होल्ड कर सकता है. देखिए यही एडवांटेज है बी ट्री का. जब हमने बाइनरी ट्री किया था तो एक नोड में एक ही की स्टोर हो सकती थी, बट बी ट्री में मैक्सिमम मोर देन टू कीज भी स्टोर हो सकती है. दैट इज द एडवांटेज ऑफ बी ट्री. दैट्स व्हाई इसमें हाइट क्या होती है, कम होती है. अब हमारे पास कीज आ गई, बट एक और प्रॉपर्टी है कि आपके नंबर ऑफ जो इंटरनल नोड्स होते हैं, कि एक इंटरनल नोड मिनिमम कितने कीज होल्ड कर सकता है और मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन होल्ड कर सकता है, राइट? सो मिनिमम चिल्ड कितने चाइल्ड होल्ड कर सकता है और मैक्सिमम कैसे कर सकता है. तो इंटरनल नोड मैं आई से डिनोट कर रहा हूं, उसका फॉर्मूला क्या होता है ये देखिए. मिनिमम कितने चाइल्ड होल्ड कर सकता है एक इंटरनल नोड, एम बाई टू, एंड मैक्सिमम कितने कर सकता है एम. अब m बाई टू क्या है, आपने सीलिंग वैल्यू उठानी है. अब m की वैल्यू अगर 3 है तो 3 बाई टू कितना आएगा, 1 बाई 5 और 1.5. तो आप 1.5 कंसिडर नहीं करोगे, उसकी अपर वैल्यू उठाओगे, सीलिंग वैल्यू उठाओगे, डेट इज 2. तो अगर मैं इसको 3 बाई टू लिखो और यहां पर 3 लिखो तो आप इसे ऐसे लिख सकते हो, बट 3 बाई टू का 1.5 आप ऐसे लिख सकते हैं, एंड 1.5 की अपर वैल्यू उठाऊंगा एंड ये एम की वैल्यू 3 रहेगी. कि कोई भी अगर इंटरनल नोड है तो उसका आप क्या करोगे कि मिनिमम 2 चाइल्ड होंगे और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं. और थर्ड प्रॉपर्टी हमने क्या डिस्कस की थी, जितने भी लीफ नोड होंगे उस सेम लेवल पे होंगे, राइट? क्या होंगे, सेम लेवल पे होंगे. लेट्स डिस्कस. अब इन प्रॉपर्टी की हेल्प से हम इन एलिमेंट को वन बाय वन प्रोसीड करेंगे और हम डिग्री प्रोसीड करेंगे. तो गाइस सबसे पहले क्या है, आपके पास 5 है, तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 5. हम इसमें प्रॉपर्टी बाइनरी ट्री बाइनरी सर्च ट्री की लगाएंगे कि जो एलिमेंट आपका ग्रेटर है उसको राइट साइड प्रोसीड करेंगे, जो लेस देन है उसे लेफ्ट साइड प्रोसीड करेंगे. अब 5 के बाद क्या आता है, राइट? 10 आता है. तो 10 को मैं इस रूट नोड से क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा. और रूट नोड का भी एक प्रॉपर्टी थी जो अभी हमने डिस्कस की थी, कि कोई भी रूट नोड है तो उसके मिनिमम कितने चाइल्ड होंगे, 2 होंगे. अगर वो लीफ नोड नहीं है, कम से कम इसके कितने चाइल्ड होंगे, 2 होंगे, और मैक्सिमम कितने होंगे, m होंगे, m की वैल्यू जो भी गिवन होगी, राइट? अब 10 का कंपैरिजन अगर मैं 5 से करूंगा, 10 ग्रेटर है या लेस देन है, ऑब्वियसली लेस ग्रेटर है. तो इसको मैं क्या करूंगा, इसके राइट साइड पे. देखो जब हम बाइनरी ट्री करते थे या बाइनरी सर्च एवीआर रेड ब्लैक करते थे तो हम कैसे लिखते थे 10, राइट? वो कुछ इस तरह लिखते थे, राइट? अब इसको यहां ऐसे नहीं लिखना. बी ट्री में उसके राइट साइड पे, उसके नेक्स्ट लेवल पे हम नहीं लिखेंगे, बिल्कुल उसके इमीडिएट लिखेंगे. तो मैं यहाँ पर 10 की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे. सबसे पहले तो आपने ये मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ पर स्ट्रक्चर टोटली डिफरेंट है बी ट्री में, राइट? वाई? बिकॉज एक नोड में आप मैक्सिमम कितनी की स्टोर कर सकते हो, दैट इज 2, राइट? दैट इज 2. ये हमने की फाइंड की थी ना, तो ये कैसे होल्ड कर सकते हो, m की वैल्यू अगर 3 है तो मिनिमम जो इसमें मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, 2, के एटलीस्ट मैं 2 चाइल्ड होल्ड कर सकता हूं. तो 2 चाइल्ड नहीं, हम 2 की वैल्यूज होल्ड कर सकते हैं. तो 10 यहां पर आ गया. उसके बाद क्या है, 12. अब 12 का कंपैरिजन 5 के साथ होगा, यस इट इज ग्रेटर. फिर उसके राइट साइड में जाएगा, 10 मिला, 10 से भी ग्रेटर है. तो मैं यहां पर क्या करूंगा, मैंने यहां पर 12 लिख दिया. अब जैसे मैंने 12 लिखा तो ये नोड क्या हो गया, ओवरवेट हो गया, राइट? ओवरवेट मतलब मैक्सिमम कीज की वैल्यू में 2 होल्ड कर सकता हूं, लेकिन अब कीज की वैल्यू कितनी होगी, 3, वो तो होल्ड कर नहीं सकता. तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इन कब इसका मीडियन, इसका मिड वैल्यू क्या है, दैट इज 10. इसको अपर लेवल में शिफ्ट कर देंगे और 5 एंड 12 इसके क्या बन जाएंगे, लेफ्ट एंड राइट चेस्ट. तो इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करता हूं. ये देखिए जैसे यहां पर 5 एंड 10 है, तो हम क्या करेंगे,
आपका क्या बन जाएगा, ये देखिए 10 आपका पेरेंट बन गया, डेट इज रूट बन गया, और इसके इसका ये क्या बन गया, लेफ्ट चाइल्ड आपका हो गया 5 एंड राइट क्या बन गया इसका, डेट इज 12। तो गाइस ये आपका बी ट्री है, हम इसको प्रोसीड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है, 13। अब 13 का कंपैरिजन होगा 10 से, क्या 10 से ग्रेटर है, यस, तो राइट साइड प्रोसीड होगा। क्या 12 से ग्रेटर है, ये लेफ्ट, ये लेस देन है, ग्रेटर है, तो इसको हम 12 की राइट साइड पे प्रोसीड करेंगे। ये देखिए तो मैंने इसके साथ में प्रोसीड कर दिया। गाइस आप मैक्सिमम 2 कीज को होल्ड कर सकते हैं, राइट, 2 चाइल्ड्स में यहाँ पर 2 कीज वैल्यू तो होल्ड हो सकती है, तो यहाँ पर बी ट्री की प्रॉपर्टीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही। उसके बाद क्या है, 14। अब 14 ग्रेटर है 10 से या लेस देन है, ऑब्वियसली ग्रेटर है, तो उसके राइट चाइल्ड पे हम गए। फिर 12 से कंपैरिजन किया, 12 से भी 14 ग्रेटर है, 13 से भी ग्रेटर है, तो हमने इसके राइट साइड पर वैल्यू को ऐड कर दिया। अब ये नोड फिर से ओवरवेट हो गया। अब अगर ओवरवेट हो जाता था हम क्या करते थे, इसके मिड वैल्यू को शिफ्ट कर देते थे उसके अपर लेवल पे। अब अगर मैं 13 को इसके अपर लेवल पर ले जाऊं, अब इसके भी दो केसेस हो सकते हैं, लेट्स डिस्कस। अगर 13 अपर लेवल हो जाए, ये देखिए 12 एंड मैं 14 कुछ ऐसे करता हूं, तो ये क्या हो गया, ये देखिए कुछ कुछ स्टूडेंट ऐसी भी गलती कर देते हैं कि इसको पेरेंट बना दिया, ये इसके दोनों चाइल्ड बन गए। लेकिन अगर इसके ये दोनों चाइल्ड बन गए तो हम क्या करेंगे, ये लेवल डिफरेंट हो गया। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जितने भी लीफ नोड होते हैं वो सेम लेवल पे होते हैं। अब ये एक लीफ नोड है, इसका लेवल 1 है, इसका लेवल 2 है, तो सेम लेवल पे तो नहीं हुए ना, इसलिए हम 13 को यहां पर नहीं लिखेंगे, इसके पेरेंट के साथ जोड़ेंगे, सो दैट की प्रॉपर्टी फुल हो रहा है, राइट। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, 12 एंड 14 को इसके कुछ इस तरह ऐड करेंगे, मैं इसको रब कर रहा हूं, ये देखिए, तो मैं इसके इस पॉइंटर पे क्या लिखूंगा, 12 लिखूंगा, इसके इस पॉइंटर पर हम क्या लिखेंगे, दैट इज 14। तो आई होप गाइस ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब हमारा कहां तक क्लियर हो गया, 14 तक हमने प्रोसीड कर लिया यहां तक। अब उसके बाद क्या आ रहा है हमारे पास, 1। अब 1 का कंपैरिजन 10 के साथ हुआ, ऑब्वियसली ये लेस देन है, फिर 5 के साथ गया तो 5 से भी लेस देन है, तो हमने यहां पर इसको ऐड अप कर दिया, राइट, ये ऐड अप कर दिया। तो जैसे मैंने ऐड किया तो इसको होल्ड कर लेगा, क्योंकि मैक्सिमम जो इसकी है कि आप कितनी होल्ड कर सकते हो, डेट इज 2, तो 2 डेटा वैल्यूज आप ऐड कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास वैल्यू आई 2। अब 2 है जो वो 10 से लेस है या ग्रेटर है, ऑब्वियसली लेस है, तो वो 1 के पास क्या, क्या 1 से ग्रेटर है या लेस है, 1 से ग्रेटर है, तो 2 इन दोनों के सेंटर पॉइंट पर आ गया, राइट। अब मैं सेंटर पॉइंट पर तो हम लिख नहीं सकते, अब 2 अगर आ गया 1, 2, 5, तो टोटल 3 डेटा कीज वैल्यूज होगी, तो ओवरवेट हो गया। अगर ओवरवेट हो गया तो इसकी मिड वैल्यू को हम अपर शिफ्ट कर देंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखिए अब यहां पर तो 2 होल्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि कीज टोटल कितनी होगी, 3 होगी, हम मैं मैक्सिमम कितनी होल्ड कर सकता हूँ, 2 कर सकता हूँ, तो ये पेरेंट में जाएगा। तो मान लो मैंने इस 2 को यहां पे लिख दिया, ये यहां पे, अब जो पेरेंट है रूट नोड है, नो डाउट एक रूट नोड एटलीस्ट 2 नोड 2 चाइल्ड तो होल्ड कर सकता है, बट यहां पर कितनी होगी, 3 होगी, अब 2 से ज्यादा तो ये भी होल्ड नहीं कर सकता, राइट। अब क्या करेंगे, इसकी मिड वैल्यू को ऊपर लेके जाएंगे। देखो कितना इंटरेस्टिंग हो गया कि पेरेंट में फिर ओवरवेट हो गया नोड, पहले तो लेफ्ट नोड ओवरवेट हुआ था, पेरेंट भी ओवरवेट हो गया, तो अब इसकी जो पेरेंट है, हम पेरेंट को थोड़ा सा हम इसको रीड्रॉ करना पड़ेगा मुझे, जो इसका पेरेंट है उसको हम क्या करेंगे, उसको हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये 10 हो गया, राइट, और जो ये है इसका राइट चाइल्ड हो गया, और जो 13 है वो उसका क्या हो गया, लेफ्ट चाइल्ड हो गया। ये देखिए ये कुछ ऐसे बनेगा, 13 ऐसे बनेगा, तो लेफ्ट साइड पर क्या आ गया, 2 आ गया, राइट साइड पर 13 आ गया। अब जो 2 आ गया तो 2 को हम क्या करेंगे, 2 से ही ग्रेटर है 5। आपने नोड कुछ ऐसे नहीं बनाना, आपने क्या बनाना है कि ये 2 ऐसे आ गया और इसके लेफ्ट पे क्या आ गया, दैट इज 5, तो इसको आपको रीड्रॉ करना पड़ेगा, 5 का नोड सेपरेट होगा,
राइट तो इसको आप बी ट्री बोल सकते हो। और इसके लीफ नोड देखिए बिल्कुल सेम लेवल पर है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर फॉलो हो रही है। अब हमने टू तक तो प्रोसीड कर दिया, नाउ मूव टू थ्री। अब थ्री टेन से लेस देन है या ग्रेटर है, लेस देन है। मैं टू के पास गया, टू से लेस देन है या ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन है। तो टू के राइट हैंड पे गया फाइव, तो फाइव से तो लेस है, देखो अगर लेस है तो उसे मैं उसके लेफ्ट साइड पर एड करूंगा। तो जैसे हमने लेफ्ट साइड पे ऐड किया तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि टू एटलीस्ट की वैल्यूज तो होल्ड कर सकता है। नाउ मूव टू फोर। अब जैसे फोर किया तो फोर का कंपैरिजन रूट के साथ हुआ, आपने हमेशा रूट के साथ ही कंपैरिजन करना है, टॉप टू बॉटम की तरह कंपैरिजन करते जाना है, राइट। तो फोर के साथ किया तो लेस देन है, तो जैसे टू के साथ आया फोर टू से ग्रेटर है, राइट। टू से क्या है, ग्रेटर है। तो जैसे टू से ग्रेटर है, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर थ्री एड किया था तो यहां पर भी एक मिस्टेक थी, तो टू को हम कैसे एड अप करेंगे कि टू से ये नोड थ्री एंड फाइव ग्रेटर है, ठीक है। यहां पर तो जैसे हमारे पास यहां पर फोर आया था, क्या फोर थ्री से ग्रेटर है और फाइव से लेस है, तो इन दोनों के बीच में आएगा फोर, ये यहां पर, राइट। अब अगर यहां पर सेंटर में आ गया फोर तो अभी क्या हो गया, ओवरवेट हो गया। अगर ओवरवेट हो गया तो फोर कहां पर जाएगा, अपने पेरेंट के पास जाएगा। अगर मैं पेरेंट के पास ऊपर फोर ले जाता हूं, राइट, तो इसको रीड्रॉ करते हैं, तो इसको ये यहां पर आना चाहिए, राइट। तो मैं कैसे करता हूं ये देखिए, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, टेन आपका क्या है, रूट नोड है, उसका एक चाइल्ड क्या है, डेट इज टू। ये देखिए टू था लेकिन उसके साथ क्या आ गया था, उसके साथ ये मैंने फोर भी ऊपर शिफ्ट कर दिया। अब जब जैसे मैंने फोर शिफ्ट किया ये यहां पर, क्या फोर टू से लेस है या ग्रेटर है, तो ग्रेटर है ना, तो फोर इसके राइट साइड पर एड होगा। तो मैं इसको टू यहां पर कर देता हूं और फोर इसको यहां पर कर देते हैं। अब टू के लेस देन क्या है, वन है, तो मैं कुछ नोट ऐसे ड्रॉ कर दूंगा वन, और टू से ग्रेटर क्या है थ्री, तो इस नोट पर हमने थ्री कर दिया और रह गए हमारे पास फाइव, राइट। क्या है फाइव, तो फाइव क्या है फोर से ग्रेटर है, तो ये कुछ नोट ऐसे बन जाएगा, राइट। अब इसके टेन का राइट हैंड क्या था, डेट इज थर्टीन, थर्टीन से लेस क्या है, डेट इज ट्वेल्व, थर्टीन से ग्रेटर क्या है, डेट इज फोर्टीन। अब गाइस प्रॉपर्टी फॉलो कीजिए, जितने भी लीफ नोड हैं वो बिल्कुल सेम लेवल के ऊपर है, राइट, सेम लेवल पर है। यहां पर कितने नोड है, टू एंड फोर, और यहां पर कितने हैं। तो गाइस दिस इज द एग्जांपल ऑफ बी ट्री, तो हमने स्टार्टिंग से लास्ट तक फोर किया, तो सभी के सभी नोड क्या आ गए, सेम लेवल पर आ गए, और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे पास फॉलो हो रही है कि आपके पास जो रूट है उसके पास एटलीस्ट टू नोड तो होने चाहिए, देखिए टू नोड है। एंड सेकंड प्रॉपर्टी, ऑल द लीफ नोड आर ऑन द सेम लेवल। थर्ड प्रॉपर्टी, जो आपका इंटरनल नोड है उसमें क्या होने चाहिए, उसके मिनिमम टू नोड्स होने चाहिए, ये देखिए, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, थ्री हो सकते हैं। तो इसके इंटरनल नोड्स क्या है, जिस नोड इसके इंटरनल नोड देखिए, मिनिमम कितने हो सकते हैं टू, लेकिन यहाँ पर कितने हैं थ्री, तो मैक्सिमम थ्री तक तो हो सकते हैं ना। अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी फॉलो करूँ आपके राइट चैनल की, तो इसके पास टू नोड है, तो ये भी प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो जितने नोड होंगे, जितने चिल्ड्रन होंगे, उसकी पेरेंट की एटलीस्ट एक कम होगी, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चिल्ड्रन कितने हैं, थ्री है, राइट, तो इसकी इसमें कीज कितनी है, टू है, मतलब थ्री माइनस वन टू। अब यहाँ पर चाइल्ड कितने हैं, टू है, तो टू माइनस वन ऊपर कीज कितनी है, वन है, ये भी हमने प्रॉपर्टी फॉलो की थी, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो में हमने इंसर्शन का केस डिस्कस किया है, सर्चिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बी ट्री की डिलीशन कैसे होती है। सो आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, एंड हम इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कीजिए इस अप्रोच के साथ। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।